वेलकम बैक टू माई चैनल ब्राउन कैप्ड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ सोया चाप की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी होने वाली है और बहुत ही हेल्दी होने वाली है। मैं इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। और जिस जिसका व्रत सावित्री का व्रत था, उन लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सबका सौभाग्य बना रहे, सुहाग बना रहे। तो चलिए आपको इसकी रेसिपी जो है शेयर करते हैं। और इसको मैंने सोया चाप को पहले मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो देखिए कैसे इसमें बर्फ़ जम गई है। तो पहले तो मैं इसको निकालने के लिए बहुत मशक्क़त कर रही थी, तो इसमें मैंने गर्म पानी डाला था और गर्म पानी में कुछ देर तक इस डिब्बे को रखा था, तो ये मेल्ट होकर के निकल तो गया था। तो चलिए आगे आप लोगों को इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोया स्टिक्स को पानी में उबलने के लिए रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। और ये रही दही, तो अब हम दही को एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें सारे मसालों को मिक्स करेंगे, जब तक हमारा सोया चाप का जो स्टिक है वो बढ़िया से उबल जाएगा और उसको ठंडा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि दही में हम क्या क्या मिला रहे हैं। तो दही में सबसे पहले मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। आपके पास जितनी सोया स्टिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम नमक डालेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है मसाला और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब बारी है जीरा पाउडर की, तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। और सबसे मेन इसमें पड़ता है चाट मसाला, तो अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसमें जो कलर है वो बढ़िया आ जाए। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सोया चाप का स्टिक है वो उबल गया है कि नहीं। उसको ठंडा करेंगे और उसमें से स्टिक को रिमूव करेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिए और इसको लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ देखिए जो हमारा सोया चाप का स्टिक है वो बढ़िया से उबल गया है 10 मिनट में। और इसको हम एक बर्तन में छान लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, इसमें से जो बीच में स्टिक दिख रही है ना, उसको मैं रिमूव करूँगी। तो ये देखिए, इसको बीच में से इसको निकालेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जैसा भी आप पसंद करते हैं खाना, तो उसको आप वैसे कट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं जैसे ये दिख रहा है। तो मैं इसको छोटे छोटे पीस में कट करूँगी इसको रिमूव करने के बाद। अगर छोटे छोटे पीस में कट रहता है ना, तो मसाले इसमें बढ़िया से फिल हो जाते हैं और टेस्टी बनता है। और ये देखिए उबलने के बाद इसमें कैसी लेयर्स से दिख रही है, तो उसकी एक एक लेयर्स भी खुल गई है और बढ़िया से इसमें मसाला इंसर्ट होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, मैंने छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लिया है। अब मैं जो दही वाला जो मैंने मसाला बनाया था, इसमें सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक साइड रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से इस चॉप में जो है मिल जाए मसाले। और 15 से 20 मिनट एक साइड रख दूँगी और उसके बाद आगे का जो स्टेप है वो आपको दिखाते हैं।
एक तरफ एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ किया है मैंने, और इसमें ऐड कर दिया मैंने जीरा। और जीरा जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा, तो उसके बाद जो मैंने दही में मिक्स करके चॉप को रखा है वो डायरेक्ट मैं उसमें ऐड करूँगी। मैंने कोई भी ग्रेवी नहीं बनाई है, प्याज टमाटर यूज़ नहीं किया है, लहसुन यूज़ नहीं किया है। और हाँ, मैं एक चीज़ इसमें बताना भूल गई थी, जब मैं इसको मिक्स कर रही थी तो मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मिलाना भूल गई थी, तो उसको आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसको ढक देंगे और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती पहले ही यूज़ कर लिया था ढकने के पहले, और ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। और लास्ट में थोड़ी सी धनिया पत्ती भी ऐड कर लेंगे, और मेरा जो चाप है वो बन के तैयार हो गया है। साथ में मैंने रोटियां बना ली हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा। और आज सब लोगों का व्रत, वट सावित्री का व्रत था, मेरा तो नहीं था। और मेरी एक पुरानी क्लिप थी तो मैंने एक रील बनाया था, और आपको कैसा लगा आप इंजॉय करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।